दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करने वाली अग्रणी संस्था CBRD और PCSS के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन महानगर के एक स्थानीय होटल में किया गया। CBRD के तहत दिव्यांगजनों को उनके सामूहिक विकास और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी और उन्हें सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। I'm just very happy to be here. I'm very happy that you all reached safely here, and I hope also that you reach safely back. So we are here to share and to learn, and this is one of the very core principles of CBID, that you meet, that you share. So I very much hope that you take home a lot, as I will do after tomorrow. And as I said, you will hear enough from me tomorrow, so I keep it very short. Officials, background. इस मौके पर हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संस्था के उमेश जयप्रकाश ने अपने संस्थान के बारे में बताते हुए कहा, लोकल पार्टनर PGSS के साथ और CBM के द्वारा एक निर्मित एक ग्रुप है, फोरम है, जिसका नाम है भारतीय विकलांग जन फोरम, जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग लोग जो हैं, दिव्यांग लोग जो हैं, उसके मेंबर हैं। तो ये सब मिलके CBRD के कंसेप्ट को के विषय में चर्चा करेंगे। CBRD बेसिकली बात करती है कि किस तरह से हम समुदाय में रह के विकलांग लोगों की जीवन के अंदर सुधार करें, उसके अंदर गुणवत्ता लेके आएं, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है किस तरह उसको कन्वर्ज करें और कैसे कम्युनिटी को मोबिलाइज करें ताकि वो विकलांगों के विषय में सोचें और उनकी भागीदारी समाज में और हर व्यवस्था में बढ़े, ये बेसिकली इस पर चर्चा हो रही है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवाइज़र, ग्लोबल एडवाइज़र मिस्टर जॉग आए हुए हैं। जॉग जो हैं वो तकरीबन 20 साल से पूरे विश्व में CBID में कार्य कर रहे हैं और वो हिंदी भी बोल लेते हैं और नेपाल में भी काम किया है, तो वो यहाँ के बारे में समझेंगे, सोचेंगे और इनको बताएंगे किस तरह से और इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से हम CBID कर सकते हैं।